उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। मैं बना रही हूँ आज छोले, ये हमारे छोले हैं काले वाले जो आज हम बनाएंगे। अब आज पहले छोले बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बाद हम सब्जी बनाएंगे। आज हमारे घर में तीन डिशें बन रही हैं। जी है ना, वाली सब्जी सही है, कौन सी वो जो उस दिन बनाई थी, मजे की, मजे की बना। अच्छी बनी थी वो उस दिन भी, अच्छी चटपटी सी। हाँ, ये हमने सारे अपने इंग्रेडिएंट्स रख लिए छोले बनाने के। अब हम प्याज काट रहे हैं, जब तक हमारा तेल में गरम हो रहा तो इससे जब तक हम प्याज काट लेते हैं। थोड़ा सा जोर से बोल रहे हैं। प्याज ये डाल दिए फ्राई करने के लिए, दो एक प्याज लिए हमने अभी, एक और लेंगे, दो प्याज लेंगे हम। और ये छोले कितने, छोले तकरीबन एक पाव से ज़्यादा हैं, छोले एक पाव से ज़्यादा हैं, जिसमें हमने दो प्याज ले ली फ्राई कर रहे हैं। दो टमाटर ले लेंगे, दो टमाटर ले लेंगे, टमाटर भी फ्राई करेंगे, वो कर लेंगे ना, ये छोले भी फ्राई कर लेंगे। सही है, इसके हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। हमारी प्याज हो गई हल्की हल्की सी ब्राउन, ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे तो कड़वा कड़वा सा हो जाएगा। इसमें हमने डाल दिए टमाटर, नमक और मिर्चें। अब हम इसमें डालेंगे नमक और मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी थोड़ी सी हल्दी, ये कुटी मिर्चें, नहीं किसी भी मिर्चें, कुटी मिर्ची डाल दी, ये हमारी कुटी की मिर्चें, दो टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ले ली। हाँ सही है, अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमेशा अपने हसबे जायका डालते हैं अपने अपने हिसाब से सब, तो ये अपने हिसाब से डाले, हमने एक चम्मच डाला है। इसमें डाल लें छोले, उबाल लिए थे पहले, हमने पहले उबाल के रखे हुए थे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब
दूसरा हम पकाते हैं सब्जी। अब हम दूसरे इसको इस चूल्हे पर रख के अब हम इस पर बना रहे हैं सब्जी। सब्जी कौन सी बनेगी, क्या क्या डालेगा उसके अंदर? आलू मटर। आलू मटर और गाजर, सेम की फली। आलू मटर सेम की फली बनेगी आज। और सब्जी, अब हमने आलू ले लिए, ये टमाटर, ये प्याज, ये हम प्याज कट कर रहे हैं सब्जी के लिए। कितनी प्याज लेंगे? थोड़ी, तीन 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 छोटी वाली, तीन छोटी वाली प्याज ले लेंगे, क्योंकि सब्जी ज़्यादा नहीं बना रहे, क्योंकि तीन चार डिश हैं तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना रहे। अब हम इसमें तेल डाल देंगे, प्याज को ब्राउन करने के लिए तेल डाल जी। ये प्याज डाल, ये प्याज डाल दी। अभी यहाँ पर हम टमाटर काट लेंगे, ये टमाटर काटे, तीन से चार टमाटर ले लेंगे। अच्छे हो जाते हैं ना टमाटर से, तो हर डिश अच्छी बनती है। टमाटर से तो अच्छे खाने में जायका ही नहीं आता, टमाटर नहीं हो ना। फीका फीका सा लगता है, धुरा धुरा सा सालन। अब हम ये आलू काट लेंगे, हमारे आलू काट रहे हैं जब तक हम ये यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रही है, यहाँ पर हमारे छोले बनते हैं। ये हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, हो गई प्याज ब्राउन। अब टमाटर डाल दी, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब डालेंगे मसाले, अब डालेंगे हम इसमें मसाले, नमक मिर्चें जो डालती हैं, ये हल्दी, ये पिसी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें 1-2 टेबल स्पून, और जो हल्दी डाली है हमने वो 1/2 टेबल स्पून डाली है, और ये कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच, ये कुटी हुई मिर्चें हैं 1 चम्मच। कुटी हुई मिर्ची से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जितनी पिसी हुई मिर्ची, पिसी हुई और पिसी से भी। ये नमक, और ये हम डाल देंगे नमक। नमक तो अपना जितना खाते हैं आप, जितना खाते उतना ही डालेंगे, जो कम खाता है वो कम डालता है, जो ज़्यादा इसलिए ये हंस भी जाएगा। ये हमारे यहाँ पर छोले तैयार हो रहे हैं, ये है सब्जी। अब डाल लेंगे आलू। आलू हमने तकरीबन लिए थे 4 से 5। ये सेम और वो गाजर, ये सेम गाजर, थोड़ी सी गोभी भी डाल दी। ये मिक्स सब्जी, मिक्स सब्जी। अब हम इसमें डाल लेंगे मटर, थोड़े से मटर, छोटी लग रही है, छोटी लग रही है जी, ये जाएगी इसमें। सही है ना, मिक्स नहीं होगी ये चाहिए। हाँ, ये पतीली छोटी थी, हमने बड़ी पतीले में कन्वर्ट कर दिया।
तक ये सारे सही से। इसी में पानी डालो मसाला के। हाँ लेके आइए ना पानी। देखो पतीले लग गई। हाँ अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें तकरीबन हम एक गिलास पानी डालेंगे ताकि आलू ये सब चीज़ें गल जाएं। ये हमने पानी डाल दिया। ये देखें गाइस कितने अच्छा कलर लग रहा है ग्रीन। ये देखें हाँ अच्छा लग रहा है ना। हाँ सर्दियों में आती अच्छी है। सर्दियाँ अच्छी आती है सर्दियों में। सर्दियों का यही होता है। और घर में आम आते हैं। बस अभी गल जाएंगे। अब ये गल जाएंगे। हे गाइस ये हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे इस बाउल में। अभी हम इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। ये हमने लिया पुदीना और इसमें हम डाल देंगे काट के हरी मिर्चें। इसमें हमने डाल दी मिर्चें।